जबलपुर के सदर क्षेत्र में स्थापित देवी प्रतिमाओं की विसर्जन शोभा यात्रा एवं श्री धनुष यज्ञ रामलीला समिति सदर की विजयदशमी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सदर में स्थापित देवी प्रतिमाओं को शामिल किया गया था। ढोल बैंड की धुनों के साथ विजयदशमी चल समारोह निकाला गया। इस शोभा यात्रा में श्री धनुष यज्ञ रामलीला समिति सदर द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की झांकियां भी शामिल की गई थी। शोभा यात्रा में इलाके के समाजसेवी और राजनीतिक दलों के नेता जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। विजयदशमी चल समारोह सदर स्थित शिवाजी ग्राउंड पहुंचा। यहां पर रामलीला का आखिरी मंचन संपन्न हुआ, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने रावण एवं कुंभकर्ण के विशाल पुत्रों का वध किया और उनका दहन हुआ। रावण के पुतलों का दहन देखने और देवी प्रतिमाओं के जुलूस को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। इस अवसर पर शानदार आतिशबाजी की गई। असत पर सत की जीत का पर्व दशहरा, दशहरे पर्व की सभी शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 142 वर्षीय श्री धनुष यज्ञ रामलीला समिति प्रभु श्री राम की लीला का मंचन कर रहा है। आज प्रभु श्री राम की लीला का मंचन शिवादी मैदान में है और रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का आज यहाँ दहन होगा। उसके पूर्व पहले यहाँ पे प्रभु श्री राम अपने रथों में सवार होके प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे, युद्ध करके उसका वध करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे आतिशबाजी होगी और रावण का दहन होगा। आज दशहरे का पर्व हमें ये सबक देता है कि अहंकार किसी का भी हो ज़्यादा दिन नहीं चलता, इसलिए जीवन में व्यक्ति चाहे कितने बड़े भी पद पे चले जाए उसको हमेशा सरल रहना चाहिए और हमेशा हर व्यक्ति के सहयोग और मदद करते रहे, तभी यही दशहरे का पर्व हमें सिखाता है। और आज जो असत पर सत की जीत का पर्व दशहरा, इसी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। बाजार काली दुर्गा उत्सव समिति जो कि 150 वर्ष पुरानी है, ये प्रतिमा का इतिहास है और ये प्रतिमा हमेशा सर्वप्रथम है और ये हमेशा प्रथम में रहती है। सदर की सेठानी है, सभी सेठों की सेठानी है और माता रानी की विशेष कृपा सदर बाजार में रहती है। मेरा नाम निशांत शर्मा, जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.